दुनिया दिनों दिन गर्म होती जा रही है। मानव जीवन का आधार माने जाने वाली पृथ्वी अब तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ रही है, जिसके आगे सारा संसार अपने आप को असहाय पा रहा है। लेकिन अचरज की बात तो ये है कि इंसान इसके लिए खुद जिम्मेदार है। जी हाँ, आज हमारे ही कारण प्रकृति का संतुलन डगमगा गया है। नॉर्थ और साउथ पोल्स पर हजारों सालों से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर के जंगल आग में भस्म हो रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया के कई शहर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि आज अपार जलवायु परिवर्तन का सीधा असर ना पड़ रहा हो, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं, आप भी जल्द इसके चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पे सवाल उठने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज का सीधा सा मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। यह तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर आने वाली एनर्जी प्रकाश के रूप में सूरज से मिलती है। सूरज की किरणों जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस रिफ्लेक्ट होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। समस्या तो तब पैदा होती है जब इसमें इंसानी हस्तक्षेप बढ़ जाता है। दरअसल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी, और अब जब से ये मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज़्यादा गर्मी को सोखने लगी, और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, और यहीं से क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। समस्या इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पृथ्वी के दोनों पोल्स पर जमी बर्फ पिघल जाएगी, और दुनिया के कई देश समुद्र के बढ़ते वाटर लेवल की वजह से महासागरों में डूब जाएंगे। बिन मौसम बरसात, बढ़ती गर्मी, सर्दी, बाढ़, ये सब कुछ झेलने के लिए दुनिया को अब और ज़्यादा तैयार रहना होगा, क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। विमान के बजाय ट्रेन से चलिए, कार के बजाय साइकिल से चलिए, पेड़ लगाइए, पुरानी चीज़ों को फेंकिए मत, ख़राब हो जाए तो ठीक करवाइए, इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए, आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की इस समस्या से निपट सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।